जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस 29 जनवरी से कुमाऊं में परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रही है, तो भाजपा अपनी जमीन बचाने के लिए 9 फरवरी को त्रिशक्ति सम्मेलन आयोजित कराने जा रही है। इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। त्रिशक्ति सम्मेलन के माध्यम से भाजपा अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करना चाहती है, जिसके दम पर आने वाले चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर पिछले आम चुनाव की तरह विजय पताका फहराई जा सके। त्रिशक्ति सम्मेलन 9 फरवरी को हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। सम्मेलन के मद्देनजर आज हल्द्वानी BJP कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि त्रिशक्ति सम्मेलन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जिससे कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखने को मिलेगा। अजय भट्ट ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव की तैयारियों का अहम हिस्सा है। ये हम लोग त्रिशक्ति सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। आज नैनीताल लोकसभा की त्रिशक्ति सम्मेलन की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि 9 तारीख को यहां हर बूथ से 3 लोग बुलाए जाएंगे। अगर यहां पर इस समय 6,000 बूथ हैं एक लोकसभा में, तो 18,000 लोग आएंगे। सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को बुला रहे हैं, जिसमें जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति, प्रकोष्ठों के जिले के पदाधिकारी और हमारे जितने भी मोर्चे हैं उनके पदाधिकारी। इस तरह से हमने एक कैटेगरी फिक्स की है 21-22 लोगों की। दूसरी तरफ अजय भट्ट ने कांग्रेस की जन आक्रोश रैली और परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि सांप और नेवले एक हो गए हैं, क्योंकि परिवर्तन कोई चाहता ही नहीं है, लिहाजा यह कोशिश केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए है। उन्होंने कहा कि 2019 में BJP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएगी। कोई नहीं, आप करते ही हैं चुनाव से पहले नौटंकी है, क्या किस चीज का परिवर्तन। कहते हैं मोदी जी को बदलो, भाई कौन सा घोटाला, कौन सा घपला, कौन से अपने घर के लिए करा, कौन सी अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को या रिश्तेदारों को मोदी जी ला रहे हैं। ये तो जामवाड़ा है सबका, अपने परिवार को लाने के लिए कोई बेटे को लाना चाह रहा है, कोई बेटी को लाना चाह रहा है, कोई बहू को लाना चाह रहा है, कोई भाई के लड़के को लाना चाह रहा है, कोई भाई को लाना चाह रहा है। ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं जिनके गलत कामों के दरवाजे बंद हो गए हैं। त्रिशक्ति सम्मेलन के बहाने भाजपा उत्तराखंड के तराई और भाबर की सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पहले ही एक कदम अपने स्टार प्रचारक को बुलाकर भाजपा ने संदेश दे दिया है कि चुनाव के दौरान एक सीट को वह कितनी गंभीरता से ले रही है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिले सबसे पहले।